नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां एससी किंगर को जब गिरफ्तार किया जाता है तो आज कोर्ट में पेश कर जो है रिमांड लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 दिन का जो है फिलहाल रिमांड मिला है। अगर आपको बताएं कि पिछले बहुत समय से जो है एससी दीपक किंगर फरार चल रहे थे, भ्रष्टाचार का किस तरह से गढ़ जो है करनाल बन चुका है, आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है, फिर जाके जो पुराना मामला है एससी दीपक किंगर का वो उठता है और अब उनको पेश किया जाता है कोर्ट में। उसके बाद जो बताया जा रहा है 5 दिन का रिमांड मिला है, अब इस रिमांड में क्या कुछ जो है खुलासे होंगे वो देखने वाली बात रहेगी। अगर मैं पूरे प्रकरण की बात करूं तो ये ऐसा रहा कि जब खुद जो है रिश्वत का पैसा उनके ही ऑफिस के कर्मचारी थे डीसी रेट के, उनको नहीं मिलता है तो वो जो है उनके खुद उनके ऑफिस में बहुत से कैमरा प्लान करते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग होती है। कम से कम भी पैसे लेने देने की 31 से ज़्यादा जो है वीडियोस वायरल होती है। उसके बाद जो है एससी दीपक किंगर के पीए विकास शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो है एससी दीपक किंगर है बहुत समय से फरार चल रहे थे, उसके बाद अग्रिम जमानत याचिका भी वो लगाते हैं, कोर्ट उस जमानत याचिका को खारिज कर देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस अपनी धरपकड़ और जोर पे चलाती है, जब जाकर एससी दीपक किंगर को अब गिरफ्तार कर जो है कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल बताया जा रहा है 5 दिन का रिमांड जो है मिला। अब क्या कुछ इस मामले में पूरी परतें खुलेगी या देखने वाली बात रहेगी कि यह मामला फिर से ठंडा पड़ जाता है। आप कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं कि करनाल में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल बाद में देखा जाता है कहीं ना कहीं मामलों को दबा जरूर दिया जाता है। क्या गया सर, क्या कुछ ये पूरा मामला था जो दीपक किंगर के ऊपर एफआईआर दर्ज है, क्या कुछ एफआईआर थी, क्या कंटेंट से उसके और आज कोर्ट में पेश किया गया था रिमांड के लिए? December 2021 में नगर निगम करनाल के एसपी दीपक किंगर के द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई थी कि उसको कुछ वीडियो भेज के और उससे एक्सटोर्शन के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही, उसे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और नगर निगम में ही कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके साथियों को अरेस्ट किया था। जो उन्होंने नगर निगम कार्यालय की वीडियो जो बनाई गई थी वो सीक्रेट कैमरा लगा करके बनाई थी और वो नगर निगम के एससी दीपक किंगर अपने पीए से के माध्यम से पैसा लेते हुए उसमें नज़र आ रहे हैं जी। तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक करनाल ने आयुक्त नगर निगम को लिखा था जिस पे एडीसी करनाल द्वारा इंक्वायरी की गई थी जी, और इंक्वायरी रिपोर्ट आने पे इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और इससे पहले आरोपी इनके पीए को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज एससी दीपक किंगर को गिरफ्तार करके उनका 5 दिन का रिमांड आ चुका है। आईपीसी क्या थी सर इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई? करप्शन एक्ट 7 और 7A सेक्शन, करप्शन एक्ट। तो सर जो रिमांड लिया गया किसका, क्या चीज रिकवर करनी है? वो जो वीडियो थी उसमें भी एक लोक सेवक का मिसकंडक्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था जी, और रिमांड हमने जो ब्राइब मनी है रिकवर्ड के लिए जी, और जिनके अगेंस्ट ये लेता था वो रिकॉर्ड जी, और जो जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में। शिकायत करता है कोई इसमें? शिकायत जब इसमें वीडियो ही है सारी और शिकायत का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। सर एक आखिरी सर, वीडियो में दिखाई दे रहा पैसा लिप्त है, लेकिन उन्हीं की दरखास्त पे 2 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। हाँ, उनका उन्होंने भी उनका रास्ता गलत था, वो एक्सटॉर्शन कर चाह रहे थे, लेकिन लोक सेवक का मिसकंडक्ट भी साथ था। सर वीडियो में, सर वीडियो में जो पैसा दिखाई दे रहा है, जो पैसा दिखाई दे रहा है वो और इसमें शामिल है, चाहे जेई है, एसडीओ, एमई है या ठेकेदार है, उनको भी शामिल करेंगे, जो भी सब होगा सबको। दलील ये रखी है कि दिस इज द केस वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट एट ऑल, बिना कंप्लेनेंट के नोबडी हैज सेड कि आई हैड एवर गिवन एनी ग्रेटिफिकेशन, कि कभी कोई मैंने कोई पैसा दिया है, जिसको ये कहते हैं रिकवर करना है, देने वाला है कोई नहीं है, रिकवरी जरूर दिखा के ये कहते हैं कि हमने उसके लिए रिकवरी करनी है जी। तो सर 5 दिन का रिमांड है सर, 5 दिन की ये रिक्वेस्ट थी, हमने गुजरात लेके जाना है। अच्छा, गुजरात में क्या है सर? गुजरात में पता वो कहीं पर छुपा के रखा हुआ कुछ, वहाँ से रिकवर। सर ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? फरीदाबाद से हुई है, तो उन्होंने खुद सरेंडर किया है इसके। पुलिस तो कह रही है अरेस्ट किया हमने उनको, खैर वो पुलिस की थ्योरी है जी, बट एज पर माई इन्फॉर्मेशन जी। सर वीडियो में जो वीडियो में पैसों का लेन देन हो रहा है वो क्या लेन देन है? आप कह रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है इसमें, लेकिन जो एडीसी की जांच है वो ये कहती है कि दफ्तर के अंदर जो पैसे का लेन देन है वो हो नहीं सकता। एडीसी साहब की ये जांच है, उनकी ये रिपोर्ट आई है कि अगर कोई अपने पीए के साथ मनी एक्सचेंज करता भी है
तो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आता जी। जो इंक्वायरी उनको मार्क हुई थी वो इंक्वायरी मिसकंडक्ट ऑफ द म्युनिसिपल ऑफिशियल के लिए हुई थी जी, बट उनकी इंक्वायरी के अंदर है कि ये मिसकंडक्ट भी नहीं बनता जी। अपने ऑफिस के अंदर किसी से लेन देन करना, पैसा एक्सचेंज करना जी, तो उसके लिए ये नहीं। तो अब कितने दिन का रिमांड मिला है? अभी रिमांड आई थिंक दैट इज फॉर 5 days। 5 days के लिए मिला है, तो उसके बाद क्या लग रहा है सर, क्या कुछ रहेगा मामले में? क्योंकि आप दीपक किंगर के एडवोकेट हैं, सवाल बहुत उठ रहे थे पिछले कई महीनों से, जांच लंबी थी, जो अरेस्ट हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे पर्चा दर्ज हुआ, आप क्रिमिनल एडवोकेट है खुद ही, तो क्या लगता है आपको जो FIR दर्ज हुई है जल्दबाजी में कर दी गई है? FIR जल्दबाजी में दर्ज है। अगर इनको अरेस्ट करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड हैव कलेक्टेड दी एविडेंस। सर अगर ये आपके खिलाफ ये एविडेंस आई है, आपको गिरफ्तार करना है सर, अगर ये बट इन दिस केस इज अदरवाइज जी, देर इज नो एविडेंस जी, बट दे से कि इनको पकड़ के हमने एविडेंस क्रिएट करनी है जी। सर अगर ये निर्दोष थे तो फरार क्यों थे? फरार नहीं थे वो, काफी समय तक पुलिस इनकी तलाश में छापामारी कर रही थी। फरार नहीं थे वो, अपने वहाँ पे फरीदाबाद रहते हैं, अपने फरीदाबाद थे। ठीक है, शुक्रिया। अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद, नमस्कार। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां एससी किंगर को जब गिरफ्तार किया जाता है तो आज कोर्ट में पेश कर जो है रिमांड लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 5 दिन का जो है फिलहाल रिमांड मिला है। अगर आपको बताएं कि पिछले बहुत समय से जो है एससी दीपक किंगर फरार चल रहे थे, भ्रष्टाचार का किस तरह से गढ़ जो है करनाल बन चुका है, आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले DTP की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है, फिर जाके जो पुराना मामला है एससी दीपक किंगर का वो उठता है और अब उनको पेश किया जाता है कोर्ट में। उसके बाद जो बताया जा रहा है 5 दिन का रिमांड मिला है, अब इस रिमांड में क्या कुछ जो है खुलासे होंगे वो देखने वाली बात रहेगी। अगर मैं पूरे प्रकरण की बात करूं तो ये ऐसा रहा कि जब खुद जो है रिश्वत का पैसा उनके ही ऑफिस के कर्मचारी थे DC रेट के, उनको नहीं मिलता है तो वो जो है उनके खुद उनके ऑफिस में बहुत से कैमरा प्लान करते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग होती है। कम से कम भी पैसे लेने देने की 31 से ज़्यादा जो है वीडियोस वायरल होती है। उसके बाद जो है एससी दीपक किंगर के PA विकास शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो एससी दीपक किंगर है बहुत समय से फरार चल रहे थे, उसके बाद अग्रिम जमानत याचिका भी वो लगाते हैं, कोर्ट उस जमानत याचिका को खारिज कर देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस अपनी धरपकड़ और जोर पे चलाती है, जब जाकर एससी दीपक किंगर को अब गिरफ्तार कर जो है कोर्ट में पेश किया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है 5 दिन का रिमांड जो है मिला। अब क्या कुछ इस मामले में पूरी परतें खुलेगी या देखने वाली बात रहेगी कि यह मामला फिर से ठंडा पड़ जाता है, आप कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं कि करनाल में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं लेकिन फिलहाल बाद में देखा जाता है कहीं ना कहीं मामलों को दबा जरूर दिया जाता है। क्या गया सर, क्या कुछ ये पूरा मामला था जो दीपक किंगर के ऊपर FIR दर्ज है, क्या कुछ FIR थी, क्या कंटेंट से उसके और आज कोर्ट में पेश किया गया था रिमांड के लिए? December 2021 में नगर निगम करनाल के SC दीपक किंगर के द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई थी कि उसको कुछ वीडियो भेज के और उससे एक्सटोर्शन के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उसे पुलिस ने FIR दर्ज करके और नगर निगम में ही कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके साथियों को अरेस्ट किया था। जो उन्होंने नगर निगम कार्यालय की वीडियो जो बनाई गई थी वो सीक्रेट कैमरा लगा करके बनाई थी और वो नगर निगम के SC दीपक किंगर अपने PA से के माध्यम से पैसा लेते हुए उसमें नजर आ रहे हैं जी। तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक करनाल ने आयुक्त नगर निगम को लिखा था जिस पे ADC करनाल द्वारा इंक्वायरी की गई थी जी, और इंक्वायरी रिपोर्ट आने पे इसमें FIR दर्ज की गई है और इससे पहले आरोपी इनके PA को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज SC दीपक किंगर को गिरफ्तार करके उनका 5 दिन का रिमांड आ गया। IPC क्या थी सर इसमें जो FIR दर्ज की गई? करप्शन एक्ट 7 और 7A सेक्शन, करप्शन एक्ट। तो सर जो रिमांड लिया गया किस का, क्या चीज रिकवर करनी है? वो जो वीडियो थी उसमें भी एक लोक सेवक का मिसकंडक्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था जी, और रिमांड हमने जो ब्राइब मनी है रिकवर्ड के लिए जी, और जिनके अगेंस्ट ये लेता था वो रिकॉर्ड जी, और जो जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में। सर शिकायत करता है कोई इसमें? शिकायत जब इसमें वीडियो ही है सारी और शिकायत का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। सर एक आखिरी सर वीडियो में, सर वीडियो में दिखाई दे रहा पैसा लिप्त है लेकिन उन्हीं की दरखास्त पे दो लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।
हाँ उनका उन्होंने भी उनका रास्ता गलत था, वो एक्सटॉर्शन कर चाह रहे थे, लेकिन लोक सेवक का मिसकंडक्ट भी साथ था। सर वीडियो में, सर वीडियो में जो पैसा दिखाई दे रहा है, और इसमें शामिल है चाहे जेई है, एसडीओ एमई है या ठेकेदार है, उनको भी शामिल करेंगे। जो भी होगा सबको दलील ये रखी है कि दिस इज द केस वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट एट ऑल। बिना कंप्लेनेंट के नोबडी हैज सेड कि आई हैड एवर गिवन एनी ग्रेटिफिकेशन, कि कभी कोई मैंने कोई पैसा दिया है, जिसको ये कहते हैं रिकवर करना है। देने वाला है कोई नहीं है, रिकवरी जरूर दिखा के ये कहते हैं कि हमने उसके लिए रिकवरी करनी है जी। तो सर पांच दिन की ये रिक्वेस्ट थी, हमने गुजरात लेके जाना। अच्छा, गुजरात में क्या है सर? गुजरात में पता वो कहीं पर छुपा के रखा हुआ कुछ, वहाँ से रिकवरी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। फरीदाबाद से हुई है, तो उन्होंने खुद सरेंडर किया है। इसकी पुलिस तो कह रही है अरेस्ट किया हमने उनको। खैर वो पुलिस की थ्योरी है जी, बट एज पर माई इन्फॉर्मेशन जी। सर वीडियो में जो वीडियो में पैसों का लेन देन हो रहा है, वो क्या लेन देन है? आप कह रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है इसमें, लेकिन जो एडीसी की जांच है वो ये कहती है कि दफ्तर के अंदर जो पैसे का लेन देन है वो हो नहीं सकता। एडीसी साहब की ये जांच है, उनकी ये रिपोर्ट आई है कि अगर कोई अपने पीए के साथ मनी एक्सचेंज करता भी है तो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आता जी। जो इंक्वायरी उनको मार्क हुई थी वो इंक्वायरी मिसकंडक्ट ऑफ द म्युनिसिपल ऑफिशियल के लिए हुई थी जी, बट उनकी इंक्वायरी के अंदर है कि ये मिसकंडक्ट भी नहीं बनता जी। अपने ऑफिस के अंदर किसी से लेन देन करना, पैसा एक्सचेंज करना जी, तो उसके लिए ये नहीं। तो अब कितने दिन का रिमांड मिला है? अभी रिमांड आई थिंक दैट इज फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए मिला है, तो उसके बाद क्या लग रहा है सर, क्या कुछ रहेगा मामले में? क्योंकि आप दीपक किंगर के एडवोकेट हैं, सवाल बहुत उठ रहे थे पिछले कई महीनों से, जांच लंबी थी, जो अरेस्ट हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे पर्चा दर्ज हुआ, आप क्रिमिनल एडवोकेट है खुद ही, तो क्या लगता है आपको जो FIR दर्ज हुई है जल्दबाजी में कर दी गई है? FIR जल्दबाजी में दर्ज है। अगर इनको अरेस्ट करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड हैव कलेक्टेड दी एविडेंस। सर अगर ये आपके खिलाफ ये एविडेंस आई है, आपको गिरफ्तार करना है। सर अगर ये बट इन दिस केस इज अदरवाइज जी, देर इज नो एविडेंस जी, बट दे से कि इनको पकड़ के हमने एविडेंस क्रिएट करनी है जी। सर अगर ये निर्दोष थे तो फरार क्यों थे? फरार नहीं थे वो, काफी समय तक पुलिस इनकी तलाश में छापामारी कर रही थी। फरार नहीं थे वो, अपने वहाँ पे फरीदाबाद रहते हैं, अपने फरीदाबाद थे। ठीक है, शुक्रिया। अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।